हरियाणा के करनाल में तालाबों को पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। करनाल जिले में बनने वाले तालाबों पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि डीसी ने काछवा, सगा व गोंदर गांव के मॉडल तालाबों का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि करनाल जिले में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 4 गांवों में मॉडल तालाब विकसित किए जा रहे हैं। इन तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और ग्रामीणों के घूमने के लिए पार्क विकसित किए जाएंगे। इन तालाबों का रखरखाव के लिए गांव के लोगों को आगे आना होगा। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सबसे पहले काछवा गांव के गुरुद्वारा में जाकर माथा टेका और ग्रामीणों से बातचीत की। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह बरसात के मौसम से पहले इन तालाबों के कार्यों को पूरा करें ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उपायुक्त ने बताया कि इन तालाबों में सिंचाई विभाग द्वारा नहर से स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। ग्रामीण तालाब में कोई ऐसी गंदगी ना डाले, इन तालाबों का रखरखाव करें। उपायुक्त ने काछवा गांव के तालाब का निरीक्षण किया। यह तालाब करीब 1 किलोमीटर की परिधि में बनाया जा रहा है। इस तालाब पर करीब 80 लाख रुपए का खर्च आएगा। ग्रामीणों की मांग पर तालाब में जरूरत के अनुसार घाट बनाए जाएंगे और ग्रामीणों के लिए घूमने के लिए पक्का फुटपाथ बनाया जाएगा। पूरे क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाएगा तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की कि गांव में तालाब के आसपास लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। इसके लिए उपायुक्त ने BGPO को निर्देश दिए कि वह तुरंत निशानदेही लेकर कब्जा हटवाएं। यदि संभव हो तो पूरे तालाब के आसपास जहां अवैध कब्जे होने का शक है 4 दीवारी बनाई जाए। ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की कि इस तालाब को सरोवर के रूप में विकसित किया जाए, मछली पालन के लिए जोहड़ को ठेके पर नहीं दिया जाए। इस मौके पर BDPO कंचन लता, तहसीलदार राजबख्श, सरपंच अजय कुमार, पूर्व सरपंच बिट्टू भी उपस्थित रहे। रिक्वेस्ट थी कि इस तालाब को बढ़िया सुंदर बनाया जाए, जो आज मुख्यमंत्री जी द्वारा यह बनाया गया और आज के आपके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जी? हमने ये जो मॉडल पॉन्ड बना है, हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी के तत्वाधान में बनाया, उसका निरीक्षण किया और लगभग 80 लाख की कीमत से बन रहा है। इसमें जो एग्जिस्टिंग 8-8.5 एकड़ की जोड़ है, उसकी पहले तो छटाई वगैरह, उसके बाद इसके जो वॉकवे बनाना इसकी बर्म्स पे, और फिर इसमें पानी के आने की व्यवस्था करना जो कि इरिगेशन विभाग कर रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। करनाल जिले में टोटल 4 गांव में इस तरह के पॉन्ड्स बने हैं, काछवा में, सगा में, गोंदर में और पाढ़ा में। आज 4ों का जो है हम निरीक्षण करेंगे एक बार, और आने वाले समय फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका यदि कार्य पूर्ण हो जाएगा तो विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। तो आज हमने इसमें जो छोटी मोटी इश्यूज़ थी, कुछ एनक्रोचमेंट्स थे, वो भी देखी हैं और समय रहते उनको दूर कराया जाएगा और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जल्द से जल्द हम इसको पूर्ण करते हैं। लेकिन बनने से पहले देखा गया, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.